गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, जिसके अंदर उसकी करेक्टरिसिटी देखी थी और ए बी एंड जेड डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। लास्ट वीडियो में एक पॉइंट मिस कर गए थे, जिसमें था सुगर पकरिंग। तो सुगर पकरिंग का हम सेपरेट वीडियो बना के उसको डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। तो आरएनए कितने टाइप के होते हैं? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इनके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग आरएनए होते हैं जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना हो, और सुना हो लेकिन उनके फंक्शन आपको शायद नहीं पता हो। तो आज उन आरएनए के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आरएनए आता है वो आता है एसएनआरएनए। ये आरएनए क्या करवाता है? एसएन मीन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये करवाता है प्री प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। प्री प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। प्री प्रोसेसिंग क्यों करवानी होती है मैसेंजर आरएनए की? बिकॉज मैसेंजर आरएनए हमें पता है हेट्रोजीनस आरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब होता है, जिसके अंदर इंट्रोन एक्सोन जो नॉन कोडिंग एंड कोडिंग पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होता है। इसको क्या किया जाता है? नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव किया जाता है बाय मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग कौन करवाता है यहाँ पे? एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग में रोल प्ले करता है मैसेंजर आरएनए की। इसके अलावा सेकेंड है स्नो आरएनए, ये भी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, और ये क्या करवाता है? प्री प्रोसेसिंग ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो आर आरएनए की क्या करवाता है? ये प्री प्रोसेसिंग करवाता है। और इसके अलावा केमिकल मॉडिफिकेशन भी करवाता है। तो राइबोसोमल आरएनए पे कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन होंगे, वो कौन करवाता है? स्नो आरएनए। तो ये सारे आरएनए, इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में दिया जाता है इसको, तो ये काफी सारे आरएनए दे देंगे, इसके अलावा इनके फंक्शन दे देंगे और इनको मैच करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आरएनए होता है वो होता है एस सी आरएनए। एस सी मीन्स स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये क्या करवाता है? प्रोटीन की ट्रैफिकिंग करवाता है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग, प्रोटीन ट्रैफिकिंग क्यों करवाता है? बिकॉज प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है हमें पता है किसमें होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। तो उस प्रोटीन को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए, बिकॉज हर एक सेल ऑर्गेनेल्स को, हर एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल का कोई भी पार्ट है, उसको किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की। बिकॉज प्रोटीन क्या है? एक फंक्शनल फॉर्म है। तो प्रोटीन का ट्रैफिकिंग किया जाता है, प्रोटीन का जहां पे सिंथेसिस हो रहा है वहां से उसका डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। इसके अलावा, और ये जो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए है मेनली प्रोटीन की ट्रैफिकिंग करवाता है सिक्रेटरी प्रोटीन की। और सिक्रेटरी प्रोटीन किसको बोलते हैं? जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होती है उसको बोला जाता है सिक्रेटरी प्रोटीन। तो सिक्रेटरी प्रोटीन जिसके ऊपर कुछ इस तरह से एसआरपीज प्रेजेंट रहते हैं, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स, उसको रिकॉग्नाइज करवाता है एससीआरएनए, और ये प्रोटीन की ट्रैफिकिंग करवाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है गाइड आरएनए। गाइड आरएनए भी क्या करवाता है? आरएनए एडिटिंग करवाता है। इसमें गाइड आरएनए का काफी जगह रोल होता है, लाइक क्रिस्पर क्रिस्पर केस के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो उसमें भी गाइड आरएनए का रोल होता है। तो आरएनए एडिटिंग जब देखेंगे तब गाइड आरएनए के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट इज एस आई आर एन ए। एस आई आर एन ए,
एंड mRNA। ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, माइक्रो आरएनए है, और ये क्या करवाते हैं, तो ये दोनों ही क्या करवाते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल जीन साइलेंसिंग। तो इन दोनों आरएनए का क्या रोल है, ये जीन साइलेंसिंग में अपना रोल प्ले करता है, और किस तरह से साइलेंस करवाते हैं जीन को, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मींस ट्रांसक्रिप्शन के बाद में, जैसे कि जैसे ही आरएनए फॉर्म होगा, एंड ट्रांसलेशन मींस जैसे ही प्रोटीन फॉर्म होगा उसके बाद। और ये किस तरह से जीन साइलेंसिंग करवाता है, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसको बोला जाता है रिट्स कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस्ड ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग एंड रिस्क कॉम्प्लेक्स। इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके क्या करवाता है, जीन की साइलेंसिंग करवाता है। तो ऐसा ही आरएनए जो होता है, ऐसा ही आरएनए क्या है, सिस एक्टिंग है। सिस एक्टिंग मींस ये सेल्फ जीन साइलेंसिंग करवाता है। खुद के ही जीन की क्या करवाता है, साइलेंसिंग, उसको बोला जाता है सिस एक्टिंग जीन साइलेंसिंग। उसके अलावा mRNA क्या है, यहाँ पे ये ट्रांस एक्टिंग है। ट्रांस एक्टिंग मीन्स किसी अनदर आरएनए की क्या करवाता है, जीन साइलेंसिंग करवाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आरएनए थे। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए, किस तरह से वो फॉर्म होते हैं, कौन सा वहां पे एंजाइम यूज होता है, और उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, तो ये हम डिस्कस करते हैं।